हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं अभी हूँ रामेश्वरम में, तमिलनाडु के रामेश्वरम में। यहाँ से ये लास्ट है श्रीलंका बॉर्डर के लिए, श्रीलंका बॉर्डर भी इसको बोलते हैं। मैं अभी हूँ सनराइज पॉइंट के पास, सूर्योदय यहाँ से बहुत ही अच्छा दिखता है। आप कहीं भी पहाड़ से या फिर समुद्र से आप जब सूर्योदय देखते हैं, सनराइज होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी जगह पे मैं अभी हूँ, यहाँ से अभी सनराइज होने वाला है, सूर्योदय होने वाला है, तो उसके लिए मैं अभी आया हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है जब समुद्र के पास सूर्योदय होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वीडियो पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कुछ कहना हो तो कमेंट कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज भीड़ बहुत है, रामेश्वरम का टूरिज्म बहुत बढ़ गया। पिछले साल जब मैं आया था तो उतना लोग नहीं थे, 100-200 लोग थे, अभी तो हजारों लोग हैं, 10,000-20,000 लोग ऐसे हैं, सब जगह आदमी आप देख सकते हैं। पूरा भरा हुआ ऐसा, इधर है, इधर 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 के पीछे भी है, वहाँ पे आगे है, 10,000-20,000 लोग ऐसे इधर अभी बहुत ज़्यादा लोग हैं। इधर यहाँ पर एक तीर्थ स्थान भी है, रामेश्वरम मंदिर, इसलिए ज़्यादातर लोग तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो घूमने आते हैं, खासकर धनुषकोडी जाने के लिए, इंडिया का लास्ट बॉर्डर है श्रीलंका के लिए, वहाँ जाने के लिए आते हैं कुछ लोग। मस्त है, और यहाँ पे ये अच्छा बात है कि यहाँ पे बैठने के लिए ऐसा बनाया हुआ, उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री में आप बैठ सकते हो, बीच भी हो ले सकते हो। सनराइज के लिए, सनराइज पॉइंट है तो सनराइज जब होगा, सूर्योदय जब होगा तो उसके लिए भी अच्छा है, आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हो। அதற்கு மாறாக கரை ஓரங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ள தொட்டிகளில் ஈரத்துணிகளை வருகின்ற பக்தர்கள் கட்டாயம்